हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिषी। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो एमपीपीएससी एडीपीओ की प्रिपरेशन कर रहे थे पिछले एक साल से। पीएससी ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उन्होंने न्यू डेट और सिलेबस को कुछ मॉडिफाई किया है। एमपी एडीपीओ की डेट जो है वो अगेन एक्सटेंड हो चुकी है और लॉ में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, सिलेबस चेंज हो गया है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगी। आज तारीख है 30 अगस्त 2022 और यहाँ पर आयोग द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2021 ऑनलाइन पद्धति के स्थान पर ऑफलाइन पद्धति ओएमआर शीट आधारित से दिनांक 18/12/2022 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक आयोजित की जाएगी। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 को होने वाला था, अब वो एग्ज़ाम एक्सटेंड होके 18 दिसंबर 2022 को होगा। इसका मतलब 3 महीने और ज़्यादा एक्सटेंड हो गए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, आयोग द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। उक्त परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के स्थान पर पुनरीक्षित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है। अतः दिनांक 18 दिसंबर 2022 को आयोजित परीक्षा में पुनरीक्षित पाठ्यक्रम ही लागू होगा। यानी कि ये जो अभी हमारा पुराना सिलेबस था एडीपीओ का, ये पूरा चेंज हो चुका है। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो एज इट इज़ हैं और बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। ये जो आपके मार्क्स हैं वो एज इट इज़ हैं। 50 क्वेश्चंस आपके जीके में आएंगे एंड 100 क्वेश्चंस आपके लॉ में आएंगे। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 150 मार्क्स का जीके और 300 मार्क्स का लॉ आएगा। टोटल 450 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। तो इस तरीके से टोटल आपका 500 का जो पेपर हो जाएगा एडीपीओ का। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा दोनों ही पेपर में, यानी कि पेपर जो पार्ट ए है और पार्ट बी है, दोनों में ही 40% मार्क्स लाना आपको कंपलसरी है। और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे -1 की है, यानी कि जब आपका कोई एक क्वेश्चन सही होगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे और जब कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग होगा तो वहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर जो साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है वो आपका ओएमआर शीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस लॉ का जो पार्ट है वहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। पार्ट ए में एक बार फिर भी नज़र मार लेते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। दूसरा, मध्य प्रदेश का भूगोल। तीसरा, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। पार्ट ए का सिलेबस आपका एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है पार्ट बी यानी कि लॉ का सिलेबस जो कि मॉडिफाई हो गया है। यूनिट 1 में देख लीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ रहा है। आईपीसी ऑलरेडी हमारा जो पहले वाला नोटिफिकेशन आया था उसमें भी था। यहाँ पर जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका ऐड हो गया है, आईपीसी पहले भी आने वाला था। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट न्यू आ गया है। सीआरपीसी आपका पहले भी आने वाला था। मोटर व्हीकल जो प्रीवियस सिलेबस में भी था, यहाँ पर नया ऐड हो गया है। देखिए, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यूनिट 3 की बात करें तो इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा प्रीवियस सिलेबस में था, पॉक्सो एक्ट भी प्रीवियस में था, आर्म्स एक्ट भी प्रीवियस में था, यानी यूनिट 3 में कोई चेंज नहीं है। यूनिट 4 की बात करें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल एक्ट 2013 भी प्रीवियस सिलेबस में था। लेकिन द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट भी प्रीवियस सिलेबस में था। यहाँ पर यूनिट 5 में द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऐड कर दिया गया है, द एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 ऐड कर दिया गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रीवियस सिलेबस में भी था। यूनिट 6 की बात करें
तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रीवियस सिलेबस में था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी हमारा प्रीवियस सिलेबस में था, और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन भी प्रीवियस सिलेबस में था। यूनिट 7 की बात करें तो RTI भी हमारा प्रीवियस सिलेबस में था, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट भी हमारा प्रीवियस सिलेबस में था, है ना। और ये PCNDT एक्ट यानी प्री कंसेप्शन एंड प्री नटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट भी हमारा प्रीवियस सिलेबस में था। यूनिट 8 की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 ऐड कर दिया गया है। SC ST एक्ट हमारा प्रीवियस सिलेबस में था। यहाँ पर एक और एक्ट ऐड किया है, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, अनियंत्रित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019। यूनिट 9 की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी हमारा प्रीवियस सिलेबस में था, जुवेनाइल जस्टिस भी था, लेकिन यहाँ पर एक ऐड किया है सब्जेक्ट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। यूनिट 10 की बात करें तो MP एक्साइज एक्ट प्रीवियस सिलेबस का है, MP स्टेट सिक्योरिटी भी आने वाला था, MP लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 भी प्रीवियस सिलेबस में है। इनमें से कुछ एक्ट्स हैं जिनकी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, सिलेबस कवर कर चुके हैं। फिर देखिए, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, और MP विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 हम आपको पढ़ा चुके हैं, और प्रीवियस सिलेबस में भी ये सब्जेक्ट था। उक्त परीक्षा के पाठ्यक्रम में उपरोक्त लिखित अधिनियमों में यदि केंद्र शासन या राज्य शासन द्वारा कोई संशोधन किया जाता है तो उसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित माना जाएगा। यानी कि जितने भी अमेंडमेंट्स हैं आज तक की डेट के, तो वो सब भी सिलेबस में इंक्लूड होंगे। मैं जब भी आपको कोई ऐड पढ़ाती हूँ तो उसे अमेंडमेंट के साथ ही पढ़ाती हूँ। तो ये आज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे थे ADPO की, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, अभी 3 महीने हैं हमारे पास, और जो सिलेबस चेंज हुआ है वो सभी के लिए हुआ है, इसलिए परेशान मत होइए। अगर वीडियो पसंद आई हो, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।